हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस कालखंड में लोहे में जंग लगना, इसका जो सिद्धांत है इसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो लोहे में जंग लगने का जो सिद्धांत है वह विद्युत रासायनिक सिद्धांत है। विद्युत रासायनिक सिद्धांत, इसमें वह एक सेल की भांति कार्य करता है जिसे हम संक्षारण सेल कहते हैं। अब पूर्व में यहां पर कालखंड में बता गया है कि इस सेल में क्या क्या होते हैं, एक बार पुनः आप इसको थोड़ा देख लें। अपन एक पात्र होता है, तो लोहे का सतह यह पात्र की भांति काम करता है। दूसरा इलेक्ट्रोड, तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। एनोड के रूप में शुद्ध लोहा या लोहा का शुद्धि जो शुद्ध भाग होगा वह एनोड की भांति काम करेगा, और अशुद्धि भाग उसी लोहा में जो अशुद्ध वाला भाग है वह कैथोड की भांति काम करेगा। तीसरा विलायक, वायुमंडलीय नमी, वायुमंडल में जो नमी है वह विलायक की भांति काम करेगा। और चौथा है विद्युत अपघट्य, विद्युत भट्ट के रूप में उस नमी में घुली हुई ऑक्सीजन गैस खास करके, जो कि हम अभी इसको परिभाषा की दृष्टि से वायुमंडलीय गैस कहे थे, ये वायुमंडलीय जो नमी है इसमें घुला हुआ गैस, तो ये गैस यहाँ पर विद्युत भट्ट का कार्य करता है। जैसे हम लोग दर्पण जानते हैं, दर्पण है ना, दर्पण का सामान्य में अर्थ देखें अपन तो कोई भी पदार्थ जो उसमें आपतित होने वाले प्रकाश को फिर से क्या करता है, वो परावर्तित करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस युक्ति को हम दर्पण कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जो आईना, आईना एक दर्पण है, दर्पण का एक प्रकार क्या है, आईना है। वैसे जहां पर भी हमको अपना चित्र दिख जाए, फोटो सामान्य शब्द में प्रतिबिंब चेहरा दिख जाए, वो सभी के सभी दर्पण है। केवल ये मत समझना कि हम जो आईना खरीदते हैं घरों में प्रयोग करते हैं वही दर्पण है। जैसे मान लो आप थाली में अपना चेहरा प्रतिबिंब देख रहे हैं तो समझ लेना थाली हमारे लिए क्या हो गया, दर्पण हो गया, ठीक है। किसी दीवार में ऐसा अपने को दिख रहा है अपना प्रतिबिंब तो समझ लेना दीवार उस समय क्या काम कर रहा है, वो दर्पण की भांति काम कर रहा है। वैसे जरूरी नहीं है कि हम जो घर से खरीदते हैं या दुकान से खरीदते हैं सेल वही सेल है। ऐसे जहाँ पर भी ये चार चीजें होंगे, हमेशा पात्र होगा, इलेक्ट्रोड होंगे दोनों एनोड कैथोड, और इसमें विलायक होना चाहिए और विद्युत अपघट्य, ये सब एक साथ रहेगा तो क्या कहलाएगा, वो सेल है, ठीक है, वो सेल बन जाएगा। इसमें पात्र लोहे का सतह जो धातु जिस पर जंग लग रहा है, इलेक्ट्रोड उसमें उस लोहा में जो शुद्ध भाग है और अशुद्ध भाग कैथोड का काम करेगा, और वायुमंडल की जो नमी है वह विलायक की भांति काम करेगा, और विद्युत अपघट्य के रूप में उसमें घुली हुई नमी में घुली हुई ऑक्सीजन गैस। अब आगे देखते हैं अपन इसका रासायनिक समीकरण, माने किस प्रकार से परिवर्तन होंगे, अच्छे से इसको गहराई समझेंगे। इसमें पहला स्टार्ट हो रहा है इसमें एनोड, सेल अभिक्रिया, जिसको मैं लिखूं यहां पर सेल अभिक्रिया, क्योंकि वह विद्युत रासायनिक सेल काम कर रहा है, ठीक है। इसको अपन नाम दिया अलग से, संक्षारण सेल कहा गया। तो पहला इसमें होगा सेल अभिक्रिया में एनोड, एनोड में हमेशा ऑक्सीकरण होते हैं, और ऑक्सीकरण में हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो यहां पर देखिए एनोड कौन है, यहां पर शुद्ध लोहा, और लोहा का सूत्र क्या होता है, Fe। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू होगा, तो पहला दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, माने ही से स्टार्ट होता है, टू प्लस और थ्री प्लस दो प्रकार के होते हैं, तो जब दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये टू प्लस जिसको कहते हैं फेरस आयन, पहला फेरस आयन के रूप में यह चेंज होगा, ये पहला कंडीशन है।
वो सीधा एक नहीं निकालता ना चार निकालता, स्टार्ट कहाँ से होता है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल से स्टार्ट होता है इसमें। आगे देखिए कैथोड में होने वाली अभिक्रिया, तो कैथोड तो यहाँ पर ऐसा अशुद्ध लोहा है, लोहे का जो अशुद्धि भाग है वह कैथोड की भांति काम कर रहा है, और वो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि धातु की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, इसी पार्ट में पढ़ना, धातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो मैं फिर से यदि इस कैथोड को लोहा को फिर लिखूंगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति नहीं है। तो कौन ग्रहण करते हैं, अधातु जितने होते हैं सभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो अधातु के अंतर्गत यहाँ पर है ऑक्सीजन गैस, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और ये कहाँ है देखिए, नमी, ये नमी है, इसको हम सूत्र के रूप में एस2O लिख रहे हैं। इस नमी में घुली हुई ऑक्सीजन गैस यह क्या करता है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है एनोड में, इस इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो ग्रहण करते हैं। तो देखिए यार कितने, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं अपन, जैसे लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसमें कैथोड पर। ये कैथोड पर कौन सा अभिक्रिया होते हैं, यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया, हमेशा एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर हमेशा अपचयन अभिक्रिया होगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, देखिए आप AO2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन, उसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए, क्योंकि बाहरी कोष में उसके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ऑक्सीजन तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है ना, इसी यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन अपन लिख रहे हैं इसको। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर जल का, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल करके माइनस चार्ज वाले बना रहे हैं, जिसमें 4 माइनस बनने जा रहा है। तो कौन सा ऐसा स्पीसीज है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, इसमें माइनस होते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर OH-, ठीक है, दो ही तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, और उसका माइनस भी बनाना है क्योंकि माइनस जुड़ रहा है यहाँ पर, तो ये बनेगा OH-। टोटल कितने माइनस हैं देखिए यहाँ पर, 4 माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल 4 माइनस है, 4 माइनस हो गया। अब 4 हमको हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन, अभी तक हमने केवल 2 ही लिखा है, H2 लिखा है, 2 से क्या कर दें इसको गुणा कर दें, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया 2 × 2 = 4, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। अब आगे देखिए ये जो बना हुआ फेरस है यह हाइड्रोक्साइड, जो हाइड्रोक्सिल आयन है उससे क्या करेगा, क्रिया करेगा अगले स्टेप में। फेरस आयन यहाँ पर जो बना हुआ है पहले एनोड पर, यहाँ से हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस है, ठीक है, तो फेरस का क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा। सूत्र कैसे लिखेंगे देखिए, ये दो वाले को इधर लिखेंगे अपन OH की ओर, और एक इधर है, एक ही माइनस है, 13 गुणा, तो ये नाम हो गया इसका फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड। अब आगे क्या होगा देखिए, जैसे समीकरण थोड़ा बैलेंस कर लेंगे, 2H है इसमें, इसे 2 से गुणा कर दिया। आगे ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है, वायुमंडल की नमी की उपस्थिति में आगे और प्रक्रिया जारी है इसमें, तो वायुमंडल की नमी, नमी का सूत्र क्या होता है, H2O, ये नमी है, उसमें घुली हुई है ऑक्सीजन गैस, इसका सूत्र क्या होता है, O2 होता है। इसके साथ में वो जो फेरस वाला है, फेरस हाइड्रोक्साइड, वह और आगे धीरे धीरे क्रिया कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना, इसको कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, तो इस फेरस हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या होता है बताओ, ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण है और ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण, दोनों प्रक्रिया चल रहा है, यानी ऑक्सीकरण ही चल रहा है। तो हाइड्रोजन को निकाल दीजिए और ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, तभी हमें बताया आपका नाम, इसमें इसका नाम क्या है बताओ, यहाँ पर फेरस है, क्या चीज़ है ये, फेरस। तो फेरस का जब भी ऑक्सीकरण होगा तो फेरिक बनेगा, और फेरिक यानी यहाँ पर अभी जो 2+ है वह 3+ में बदल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये फेरिक ऐसा हो गया, यहाँ पर ये फेरिक रूप में फेरस का ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या बनेगा, फेरिक बनेगा। अब फेरिक का मतलब होता है 3+ वाला, आयरन में, आयरन की दृष्टि से है, और ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया तो हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, क्या बचेगा बताओ, यहाँ पर ऑक्सीजन बचेगा, यहाँ पर इस प्रकार से
ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन की शुद्धता कितनी होती है यहाँ पर, दो माइनस होते हैं, माने टोटल दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो समीकरण को जब लिखेंगे तीर्य गुणा तीन ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा और दो Fe के लिए। अब इस प्रकाश को मिटा देंगे अपन बाद में, अभी समझने के लिए हम इस प्रकाश लिखे हैं। तो हो गया यहाँ पर Fe2O3, क्या बन गया Fe2O3, के नाम है इसका फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान समझेंगे, पहले से यहाँ पर नमी उपस्थित है, पहले से नमी उपस्थित है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हमको चाहिए अभी फिलहाल तीन ऑक्सीजन चाहिए, थोड़ा ध्यान समझ लेंगे। अभी ये सूत्र में अभी तक दो ही ऑक्सीजन है, और इस सूत्र में हमको कितना चाहिए बताओ, तीन ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर O2 के रूप में जैसे जुड़ेगा तो पाँच हो जाएगा, चार हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे एक बट्टा दो कर देंगे। ठीक है, तो एक बटा दो यानी समझ लीजिए कि दो और दो, यदि समझने के लिए यहाँ पर समझें तो एक बटा दो टू मान तो एक ऑक्सीजन हो। ठीक है, अब इस प्रकार से इसको एक बटा दो टू कर दीजिए। अब यहाँ पर जल भी है पहले से, कि जल यहाँ पर इंटू करके लिखा जा रहा है, इंटू कर दिया, इंटू माने जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट है उसके साथ में। एक्स एक्स का मतलब यहाँ पर कोई निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि वो करणों अरबों खरबों को यू संख्या हो सकता है जल के अणु, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं उसको एक्स अणु जल लिखे हैं। इसको अपन यदि एक साथ आओ बोलेंगे तो ये इसको बोलते हैं जल योजित, जिसमें जल जुड़े होते हैं, क्या नाम होता है उसका, जल योजित फेरिक ऑक्साइड, क्या नाम होगा इसका, जल योजित, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसी का नाम है जंग। अभी जो लोहे का जंग होता है वो सूत्र क्या है, यही है, इसको कोष्टक में आप लोग कर लेंगे जंग, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अपन, रस्ट कहते हैं, इसको हम परिभाषा के रूप में पढ़ चुके हैं। तो लोहे का जंग का सूत्र क्या है, तो ये सूत्र होगा Fe2O3 into XH2। अभी तक जो लोहा था ध्यान समझ लेंगे, ये जो लोहा ऐसा था Fe के रूप में, अब ऐसा यौगिक बदल गया, उसका सूत्र बदल गया पूरा। अच्छा, सूत्र बदल जाएगा तो जो परिवर्तन होते हैं कैसा होते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होंगे इसमें। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर संख्यारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो संख्यारण को प्रभावित कर सकते हैं। संख्यारण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला इसमें है मुख्य रूप से धातु की प्रकृति, प्रकृति का मतलब दो प्रकार से है, एक होता है क्रियाशील धातु और एक होता है कम क्रियाशील। तो जिस धातु की क्रियाशीलता अधिक होगी उसमें ज़्यादा संख्यारण होगा। ठीक है ना, धातु की क्रियाशीलता अधिक होगी तो उसमें संख्यारण भी अधिक होगा, क्योंकि मैं सभी को यहाँ पर नहीं लिख सकता, कुछ यहाँ पर संकेत के रूप में लिख रहा हूँ। जैसे एक है लोहा और एक है यहाँ पर मान लीजिए सोना, इसका सूत्र होता है गोल्ड AU। यदि हम चूँकि पढ़ चुके हैं सक्रियता श्रेणी, है ना, क्रियाशीलता श्रेणी, तो यहाँ पर इन दोनों की तुलना कर रहा हूँ मैं। इसमें अधिक क्रियाशील कौन है, Fe है अधिक क्रियाशील, और इसके तुलना में ये जो सोना है कैसा है, कम क्रियाशील है। तो ज्यादा संख्यारण किसमें होगा, जिसमें ज्यादा क्रियाशीलता होगी उसमें संख्यारण ज्यादा होगा, इसलिए लोहा में अधिक जंग लगेगा और सोना में कम लगेगा। ठीक है, ये सीधा सीधा ऐसा दूसरे को भी हम आइडेंटिफाई या पहचान सकते हैं किसमें ज़्यादा जंग रहेगा किसमें कम जंग रहेगा। दूसरा देखते हैं अपन, धातु में विकृति, धातु में यदि विकृति आ जाएगा तो उसमें जो जंग है किस प्रकार से लगेंगे,
संख्यान कैसे होगा उसके बारे में समझें। तो यहाँ पर दो प्रकार के आपको मिलेगा, मैं यहाँ पर संकेत के रूप में लिख रहा हूँ। एक समतल सतह है, कैसा है? समतल सतह। मैं भी उदाहरण लोहा कर रहा हूँ, चलिए ठीक है। और एक ऐसा, इस प्रकार से मान लो, इसको मैं ऐसा समझा रहा हूँ कि मान लो खुरदुरा है, उसका सतह कैसा है? खुरदुरा है, खुरदरा लिखे चाहे खुरदुरा, दोनों का मतलब एक ही है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रफ, ठीक है। टेबल हम प्रयोग करते हैं, देखे होंगे स्कूल में, अधिकांश लोहे के भी रहते हैं, तो किसी किसी लोहे का एकदम पूरा समतल सतह है और कहाँ कहाँ मुड़ा होता है, दोनों प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है ना। खुरदुरे भी हो सकते हैं, माने खुरदुरे का मतलब उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ कई तरह हो सकते हैं। जैसे मान लो लोहा में से ऐसा, अभी समझने की बता रहा हूँ, अभी मेरा हाथ देखिए, ये बिल्कुल माँ समझने का ऐसा पूरा प्लेन है। अब इसको मैं ऐसा कर दूँ, मोड़ दूँ, तो देखिए यहाँ पर ये मोड़ आ गया इसमें, ठीक है ना। तो जहाँ पर मुड़ा है उसमें विकृति है, वो क्या है? वो विकृति है, क्योंकि यहाँ पर बता, देखो जरा, ये यहाँ पर ऐसा इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर। तो जब मुड़े रहते हैं तो उसमें परमाणु और अणु में तनाव रहते हैं, क्या रहते हैं? तनाव। जहाँ पर मुड़ा होता है, इसी को अंग्रेजी में अपन अलग प्रकार शब्द बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, अभी फिलहाल समझ लीजिए हिंदी में तनाव में रहते हैं। जहाँ पर मुड़ा होता है परमाणु और अणु तनाव में रहते हैं, और जब तनाव में रहेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वह एनोड की भांति काम करेगा, और जब एनोड बन जाएगा तो अशुद्धि तो पहले से उपस्थित कहीं ना कहीं है, नमी भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, तो इसीलिए अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर संख्यान हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, तो किसमें ज़्यादा होगा? खुरदुरे सतह वाले में ज़्यादा होगा और समतल सतह वाले में कम होगा। तीसरी बात यहाँ पर और एक दो देख लें, पीएच मान। पीएच मान यहाँ पर 3 से कम यदि होगा तो संख्यान सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे और कई प्रकार के इसमें प्रभावित करने कारक हैं, मैं भी केवल 3 कारकों का यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ, बाकी ऐसा ही और अन्य प्रकार के उदाहरण होंगे। आगे लेता हूँ मैं संख्यारण से बचाव। संख्यारण से बचाव के कुछ उपाय के बारे में हम देखें इसमें। पहला है रोधिका रक्षण। तो इसमें क्या करेंगे, धातु की सतह पर, खास करके लोहे की बात कर रहे हैं अपन, उसमें पेंट पेंट पॉलिश करते हैं अपन, तेल ग्रीस आदि का जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, इसमें नमी नहीं जा पाएगा। जिस धातु के ऊपर में पेंट कर दिए तो वायुमंडल की नमी जो है अंदर पहुंच नहीं पाते। तेल उसमें डाल देंगे, ऊपर में ग्रीस डाल देंगे, तो लोहा पर वायुमंडल की नमी टच नहीं कर पाएगा, और नमी नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगा। तो ये सामान्य उपाय हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, रोधी का रक्षण कहते हैं। और एक होता है उत्सर्ग रक्षण, इसी को बोलते हैं बलिदानी रक्षण। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे उदाहरण के लिए कम क्रियाशील, सही सीधा मैं ऐसा बोलता हूँ उसको, किसी भी धातु पर उससे अधिक क्रियाशील धातु का पर चढ़ाना, धातु पर अधिक क्रियाशील धातु, का परत चढ़ाना, ये क्या कहलाता है, इसमें सीधा सीधा उत्सर्ग रखना। तो इससे क्या होगा, जो अधिक क्रियाशील, जैसे उदाहरण के लिए लोहा है, इस लोहे के ऊपर में, अभी समझने कि लोहा सपना दे रहा हूँ, इसके ऊपर में हमने जस्ता का परत चढ़ा दिया, ये समझ लीजिए अभी ऊपर वाला के यहाँ पर जस्ता है। जस्ता का परत क्यों चढ़ाया, क्योंकि लोहा से अधिक क्रियाशील कौन है, जस्ता है, तो एनोड कौन बनेगा, जो अधिक क्रियाशील है वो एनोड बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक क्या होगा बताओ, अब यह एनोड की भांति काम करेगा, और जो एफी है वह किसके भांति काम करेगा, वो कैथोड, ठीक है। और खास करके लोहे पर जस्ता का ही परत चढ़ाते हैं तो इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण, क्या कहते हैं इसको, गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण क्या है, लोहा पर जस्ता का परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण। इसमें टीन का नहीं चढ़ाते, क्यों, क्योंकि टीन को यदि चढ़ाएंगे तो टीन कम क्रियाशील है, तो स्वयं लोहा एनोड बन जाएगा वो,
तो लोहे का जंग चालू हो जाएगा और टिन बच जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम अधिक क्रियाशील धातुओं को चढ़ाते हैं। अब आगे इसमें है हमारा मेन टॉपिक किसमें रहा, रोधिका रक्षण और उत्सर्ग। ऐसे और दो विधियां हैं, विद्युतीय विधि और बीजन, तो वो अलग अलग प्रकार की विधियों से बनते हैं। इसी प्रकार से हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। आज हम इस कालखंड में संक्षारण एवं मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या है, मिला देते हैं, एक धातु को अन्य धातुओं के साथ समांगी मिश्रण बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु। जैसे पीतल, कांसा, स्टील, सुने होंगे, ये सभी क्या होते हैं, मिश्र धातु। अब हम इसके दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग इसके बारे में भी समझ सकते हैं। धन्यवाद। आइए हम अब इसमें मिश्र धातु के बारे में समझेंगे। मिश्र धातु क्या है, सामान्य शब्द में मिश्र माने मिलाना, ठीक है ना, मिक्स करना सामान्य शब्द में बोलते हैं, मिक्स करना माने मिला देना, तो धातु में धातु को मिलाएंगे अपन। मिश्र धातु अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एलॉय, ए डबल एल ओ वाई, एलॉय यानी होता है मिश्र धातु। अब इसको सामान्य शब्द में कहें अपन, तो देखिए एक धातु है, इस धातु में मिला रहे हैं अपन, क्या मिला रहे हैं, प्लस कर दो समझने के लिए, प्लस माने यहां पर मिलाना, क्या मिलाएंगे, अन्य धातु, और उसी धातु को नहीं मिलाना, जैसे यहां पर लोहा है तो मैं लोहा को नहीं मिलाऊंगा, उससे अलग अन्य लिखा माने उससे अलग, जैसे मान लो यहाँ पर तांबा है तो तांबा को नहीं मिलाऊंगा, दूसरे अन्य धातु को मिलाऊंगा मैं। और या क्या हो सकता है, देखिए या अधातु भी हो सकते हैं, धातु में अन्य धातु या अधातु, या दोनों भी हो सकते हैं, धातु या अधातु दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन धातु में ही मिलाना है, ठीक है। तो इस प्रकार के आगे इसको क्या करेंगे अपन, थोड़ा ध्यान समझेंगे, इसको पिघलाना है, मिलाकर क्या कर लेंगे, पिघला लेंगे, या जिस धातु का हमें मिश्र धातु बनाना है उसको सर्वप्रथम पिघलाते हैं, उसके बाद जिसको मिलाना है उसमें मिलाते हैं, और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, तो धीरे 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 उसके साथ में समांगी मिश्रण बनते हैं। तो इसको परिभाषा के रूप में हम समझें, ऐसा किसी धातु को, क्या किसी धातु में अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या समझ लीजिए, समांगी मिश्रण देखो शब्द है समांगी, सम अंगी, सम माने समान, अंगी अंगी माने प्रत्येक भाग। जैसे एक उदाहरण के लिए शरबत बनाते हैं, ठीक है, शरबत में क्या होते हैं, पानी में हम क्या मिलाते हैं, शक्कर मिलाते हैं, घोल अच्छी तरह से घोल लेते हैं, और खाली आप पानी में शक्कर को मिला दोगे तो शरबत निकालेगा वो, जब तक वो पूरा नहीं घोलेंगे तब तक शरबत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा उससे, वो शरबत में ऊपर वाले पानी को भी चखोगे तो भी मीठा लगेगा, और उतना ही मीठा नीचे वाले जो गिलास में नीचे पानी रहेगा जहां पर सबसे अंतिम भाग, उसको भी चखोगे तो उतना ही मीठा लगेगा, उसका मतलब क्या होगा, गुण समान, बीच वाले पानी को भी आप टेस्ट कर लेंगे तो उतना ही मीठा रहेगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, समांगी, माने हर एक भाग का गुण समान है। तो ऐसे इसमें भी हर एक भाग का गुण समान होगा, जहां भी टेस्ट करके निकालोगे दो धातु को अन्य धातु से मिला रहे हो तो जितना परसेंट यहां पर मिलेगा अन्य भाग में ही उतने ही परसेंट मिलेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, समांगी मिश्रण, ठीक। अब आगे चलें इसमें, जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन, कुछ उदाहरण इसको क्यों बनाते हैं समझ लीजिए, बनाने के कारण, बनाने के कारण, एक तो यहाँ पर कठोर होता है, जब इसको सब अभी तक धातु जो है नरम रहते हैं, लेकिन जब उसको मिश्र धातु बनाते हैं तो क्या हो जाता है, वो कठोर, तो कठोर बनाने के लिए हम उसको बनाते हैं, ठीक है। दूसरा मुख्यतः अपन और कुछ दृष्टि से देखेंगे, गलनांक को कम करने के लिए, धातु के गलनांक, गलनांक को कम करना, धातु के गलनांक उच्च होते हैं
तो उस गलनांक को कम करने के लिए हम उसमें उसको क्या बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। उसी प्रकार से और कई कारण हो सकते हैं धातु के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए। धातु के सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार से धातु की सक्रियता को बढ़ाने के लिए, ये कुछ कारण हैं, इसी कारण से ही मिश्र धातु बनाया जाता है। और सामान्यतः हम यहाँ पर देखें एक मुख्य बात, ढालने योग्य बनाने के लिए, चौथा एक मुख्य बिंदु है ढालने योग्य बनाने के लिए। यदि उसमें ढालना है, जैसे उदाहरण के लिए मैं थोड़ा उदाहरण देता हूं, मैं सोना सब जानते हो, सोना गोल्ड ठीक है ना, कितना कैरेट का होता है, अधिकांश शुद्ध सब जानते हो 24 कैरेट, कितना होते हैं 24 कैरेट सोना गोल्ड, यह सबसे शुद्ध है, अति शुद्ध है, इसमें अशुद्धि नहीं है। तो ये क्या होंगे, ऐसा आप इसको ढाल करके अलग से अच्छे साबुसर नहीं बना सकते, 24 कैरेट का सोना होगा तो ढाल करके आप उसको आभूषण बनाने में उपयोग नहीं कर सकता, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें तांबा या चांदी को भी मिलाया जाता है। और अब दुकान में देखे होंगे 22 कैरेट 23 कैरेट ऐसा लिखा रहता है सोना, है ना, और अधिकांश दुकान में जाओगे ज्वेलरी दुकान में तो आपको 22 कैरेट का सोना ज्यादा मिलेगा, 22 कैरेट का सोना। तो क्या है यहाँ पर 22 कैरेट का सोना, उसमें देखिए यहाँ पर 24 भाग में से 22 भाग सोना है, समझ लेंगे यहाँ पर 22 भाग सोना और 2 भाग खास करके तांबा या चांदी भी हो सकते हैं इसको मिलाया जाता है। उस 24 में से 22 भाग सोना है और 2 भाग क्या है यहाँ पर तांबा खास करके। ऐसे आप दूसरे प्रकार के चांदी को भी मिला सकते हैं, ठीक है। अब ये कितने कैरेट का हो गया बताइए, यहाँ पर 22 कैरेट का हो गया, क्योंकि उस 24 में से 22 भाग सोना है, तो ये क्या बन गया, अब यहाँ पर ये मिश्र धातु बन गया। तो क्यों ऐसा बना रहे हैं, वो अब इसको ढाल सकते हैं आसानी से, ठीक है ना, और 24 कैरेट का होता तो अच्छे से वो ढलता नहीं है, इसी के लिए यहाँ पर इसको मिश्र धातु का भी उपयोग किया जाता है। इसमें आगे चले अपन इसके प्रकार, मिश्र धातु के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं अपन फेरस मिश्र धातु। फेरस का मतलब है लोहा, ऐसा मिश्र धातु जिसमें लोहा पाए जाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं अपन फेरस मिश्र धातु। माने एक भाग इसमें लोहा पाया ही जाएगा, माने इसको मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूं, लोहा धन अन्य धातु, लोहा इसमें रहना ही जरूरी है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं इसमें, जैसे स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील इसमें 3 मुख्य हैं, एक है लोहा है, दूसरा है क्रोमियम है, और एक यहाँ पर निकिल है, इसमें लोहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर यदि परसेंटेज की मात्रा से कहें इसमें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें 74% आयरन होते हैं और 18% क्रोमियम और 8% निकिल होते हैं, स्टेनलेस स्टील की बात है। आपने देखा होगा ब्लेड में लिखा रहता है, चाकू में लिखे रहते हैं स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना, ब्लेड है, चाकू है, कई प्रकार के बर्तन हैं उसमें लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील। तो क्या इसमें लोहा में क्रोमियम और निकिल को भी मिलाया गया है। अब इसका उपयोग क्या है बताओ, सामान्यतः बर्तन बनाने में, चाकू बनाने में, कई प्रकार के कल पुर्जे बनाने में, है ना, ब्लेड बनाने में इसका उपयोग क्या है, ऐसा और ढेर सारे उपयोग हैं स्टेनलेस स्टील के। और इसका गुण थोड़ा देखें अपन, गुण इसमें आसानी से जंग नहीं लगता, ठीक है। खास गुण क्या है, इसमें जंग रोधी होते हैं या जंग के प्रतिरोधी होते हैं,
उसी प्रकार से और हैं कुछ अन्य उदाहरण भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं एलनिको, सुनिए इधर दूसरा उदाहरण के अंतर्गत एलनिको, ये मिश्र धातु है, इसमें मुख्यतः आयरन का है, इसमें एल्यूमिनियम भी हैं, निकिल भी हैं और कोबाल्ट भी हैं, तीन चार धातु हैं एल्यूमिनियम निकिल कोबाल्ट, और इसमें धातु क्या है मुख्य धातु इसमें आयरन है, क्योंकि धातु के अंतर्गत में लोहा से लोहा का है, ये फेरस में आएगा, अभी जो बता रहा हूँ क्या है फेरस, इसमें यदि परसेंटेज की मात्रा परसेंटेज दृष्टि देखेंगे तो इसमें 62% 62% लोहा है, 20% एल्यूमिनियम है और 12% निकिल और 6% कोबाल्ट पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, ये एलिनिको कहलाते हैं, जिसका हम अलग अलग प्रकार के उपयोग में इसको ला सकते हैं। इसका मुख्य उपयोग है शक्तिशाली चुंबक बनाने में, शक्तिशाली चुंबक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, इसमें प्रकार में फेरस के ऐसे और ढेर सारे हैं, मैं अभी केवल दो ही का उदाहरण यहां पर दिया हूं। अगला लेते हैं अपन दूसरा उदाहरण, नॉन फेरस मिश्र धातु। नॉन फेरस मिश्र धातु क्या है, इसमें आयरन नहीं पाया, लोहा नहीं होगा, लोहा को छोड़ करके बाकी जो धातु हैं उनके जो मिश्र धातु हैं उसको क्या कहते हैं अपन, नॉन फेरस मिश्र धातु कहते हैं। इसके अंतर्गत में कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे पीतल है, एक उदाहरण लेके सरल उदाहरण इसमें उदाहरण ले रहा हूं मैं, तो क्या परिभाषा हुआ, इसमें लोहा नहीं पाया था, बाकी कोई दूसरे हो सकते हैं लेकिन लोहा को छोड़ करके। उदाहरण के लेते हैं अपन एक पीतल, सब सुने होंगे, कासा सुने होंगे, अंग्रेजी में पीतल को बोलते हैं ब्रास, BRASS, और कांसा जिसको कांस भी बोलते हैं अपन, ब्रांज बोलते हैं, BRONJD, ब्रांज, ठीक है ना। जैसे जब एथलीट होते हैं, एथलेटिक्स होता है, तो स्वर्ण पदक होता है, उसके बाद क्या होते हैं बताओ, दूसरा पदक चांदी, रजत पदक बोलते हैं सेकंड को, और थर्ड पोजीशन आता है उसको क्या देते हैं, कांस्य पदक, ठीक है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको ब्रांज मेडल। तो ये कांस्य है, तो इसमें क्या क्या होते हैं देखिए इधर, ये दोनों के दोनों यानी पीतल और कांसा कापर के ही मिश्र धातु हैं। पीतल में कापर के अलावा इसमें जस्ता होते हैं, जबकि ये जो कांसा होते हैं तांबे के साथ टीन होता है, इसमें टीन का सूत्र क्या होता है SN। यदि प्रतिशत मात्रा कहें तो ये करीबन 80% तांबा होते हैं और इसमें 20% क्या होते हैं जस्ता पीतल में, ठीक है। और ये जो कांसा है इसमें मुख्यतः 88% तांबा और बाकी जो 12% बच रहा है वो क्या होते हैं यहाँ पर टीन होते हैं। इसमें परसेंटेज वो लिख लेंगे अच्छे से आप लोग, ये पीतल है 80% तांबा और 20% जस्ता, और कांसा में क्या है 88% तांबा और 12% टीन होते हैं, ठीक है। इसमें बताइए कहीं पर लोहा दिख रहा है अपन को, लोहा कहीं सूत्र लिखा है नहीं है, बिना लोहा का है ना, इसीलिए किसमें आएगा ये नॉन फेरस मिश्र धातु का है, ऐसा मिश्र धातु जिसमें लोहा नहीं होता, दूसरे हो सकते हैं इसमें। उसी प्रकार से और भी मिश्र धातु हैं जिसको हम यहाँ पर कुछ नाम से और जान सकते हैं, जैसे कुछ उदाहरण के हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं इसमें, बेल मेटल, नाम को लिख लेंगे बेल मेटल। बेल माने सामान्यतः घंटी, BELL, तो कैसे बनता है यहाँ पर देखिए, ये भी सेम इसी प्रकार से कापर और टीन का ही है, इसमें कापर और टीन, लेकिन परसेंटेज मात्रा अलग अलग है, इसमें 75% तांबा होते हैं बेल मेटल में, 75 और करीबन 12% टीन की मात्रा पाई जाती है, और बाकी शेष अन्य और अन्य प्रकार के होते हैं इसमें,
तो मुख्यतः 75% तांबा और 12% टीन। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? घंटी बनाने में और कल पुर्जे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मंदिर में हम घंटी देखते हैं, है ना, मंदिरों में, वो किसके बने होते हैं? इसी धातु के बने होते हैं, बेल मेटल, जिसको अपन घंटा धातु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? घंटा धातु, क्योंकि घंटी बनाने, घंटी माने मंदिरों में खास करके जो बड़े बड़े घंटी होते हैं उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है इसमें, और मशीन के कल पुर्जे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे चले अपन, और कुछ धातुएं जैसे एग्जाम्पल के लिए तीसरा प्रकार लेते हैं अपन, है ना। पहला प्रकार क्या हो गया? फेरस मिश्र धातु, दूसरा हो गया नॉन फेरस, और तीसरा प्रकार जो नाम है उसकी भी हम चर्चा कर लें। तीसरा है अमलगम, अमलगम क्या है पर समझेंगे आप लोग। ऐसा मिश्र धातु जिसमें पारा पाया जाए, HG मरकरी, ठीक है ना, ये इसमें मरकरी होना ही है। मरकरी जो है किसी अन्य धातु के साथ में क्या कर रहा है, वो मिश्र धातु बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? अमलगम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए उदाहरण देखें अपन, सोडियम और HG जुड़ा है और ये मिश्र धातु है, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ मिला करके बनाया गया इसको, तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम अमल। अब इसको सोडियम पारा नहीं बोलोगे, सॉरी, ये सोडियम मरकरी से नहीं बोलोगे शब्द को, क्या बोलना है इसको? सोडियम अमलगम। इसी प्रकार से कोई दूसरा यहां पर रहेगा और HG लिखा रहेगा तो उसी नाम से इसको हम जानेंगे इसमें, ठीक है, सोडियम अमलगम। उसी प्रकार से जिंक अमलगम, मालूम है ऐसा, इसको जिंक लिख जैसा, जेड ऐसा, सभी नहीं बनाते, कुछ धातुएं हैं जो बनाते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? जिंक अमलगम, यहाँ पर माइनस नहीं पढ़ना है, माइनस, ये माइनस नहीं है, जिंक माइनस HG ऐसा नहीं पढ़ें, क्या पढ़ें इसको एक साथ? जिंक अमलगम पढ़ेंगे इसमें। तो ये तीन प्रकार के मिश्र धातु हैं, फेरस, नॉन फेरस, अमलगम। तो एक बार पुनः इसको समझ लें, फेरस में क्या है? लोहा पाया ही जाता है, बाकी कुछ और दूसरे प्रकार के होंगे लोहा, लेकिन लोहा एक घटक होगा। नॉन फेरस में लोहा को छोड़ करके बाकी जो धातुओं के मिश्र धातु उसको क्या बोलते हैं अपन? नॉन फेरस। और एक होता है अमलगम, इसमें HG धातु पाए जाते हैं, ठीक है ना, HG जो है एक घटक के रूप में पाए जाते हैं। तो हो गया, यहाँ पर कुछ और ढेर सारे धातुएं होते हैं मिश्र धातु के रूप में जिनका अलग अलग प्रकार के उपयोग किए जाते हैं इसमें। तो आज हम यहाँ पर मिश्र धातु क्या है, किस प्रकार से बनाते हैं और उनके क्या क्या उपयोग हैं, हमने कुछ मिश्र धातुओं के बारे में हमने इसमें अध्ययन किया। और ऐसे ही आप कई प्रकार के मिश्र धातुओं के बारे में समझ सकते हैं और हमारे दैनिक जीवन में या अन्य प्रकार के उपयोग, जैसे वैज्ञानिक दृष्टि से एरोप्लेन बनाने में कई प्रकार के ऐसे मिश्र धातु होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तो अब हम आज की इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं और इसी के साथ ही ये हमारा जो धातु एवं धातु कर्म का चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।